हेलो फ्रेंड्स, सुपर सहेलिया से मैं नीपा मिस्त्री आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी साउथ गुजरात की एक स्पेशल डिश जिसका नाम है सीख दाल, जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो ऑनियन लिए हैं, एक टमाटर लिया है, दो हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और अदरक। और फिर हमने एक पैन लिया है और उसमें तेल डाला है और तेल के अंदर हमने राई, अजवाइन और हींग का तड़का किया। फिर हमने इसमें डाल दिया है स्लाइस किया हुआ ओनियन। ओनियन को हमें तब तक पकाना है जब तक ये हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। देखिए, इसमें हल्का सा गुलाबी रंग अब आने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने बारीक काट के रखे हैं। टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। इसके लिए हमने जो वाल लिए है उसको हमने भिगो लिया था और फिर 8 से 10 घंटे तक भिगोने के बाद उसको हमने स्प्राउट्स निकलने तक लिए छोड़ दिया था। ये करीबन 250 ग्राम वाल लिया है हमने। और अदरक लहसुन और हरी मिर्च की हमने पेस्ट बना ली है। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो तेल अब छूटने लगा है, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमें 2 मिनट तक इसे पकाना है, तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट हम पकाएंगे। जो स्प्राउटेड वाल होते हैं वो बाज़ार में रेडी भी मिलते हैं और घर पे भी आप बना सकते हैं। जिस तरह से हम लोग बनाते हैं मूंग स्प्राउट्स वगैरह, उसी तरह से आप वो भी बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने 250 ग्राम लिया है और उसको हमने डाल दिया है कुकर के अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा नमक, नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है, फिर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मैंने यहाँ पर कश्मीरी पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, और सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। बहुत सिंपल से मसाले हमें घर में से ही मिल जाते हैं। देखिए, हमने ये अच्छी तरह से सब मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे कुकर में ढक्कन लगा के इसको 3 सीटी तक पकाएंगे। देखिए, हमने ये बना ली है और हम इसके जुआर की रोटी, पानी चू, जो मैंने पहले अपने वीडियो में इसकी रेसिपी बनाई बताई है, और ये अनियन, इसके साथ हम सर्व करेंगे और इसका मज़ा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।